पाकिस्तान अपना पहला मैच 28 अगस्त को भारत के खिलाफ खेलेगा, यानी वो कहते हैं ना गंजे होते ही ओले पड़ने, तो यानी जैसे ही अपनी आप एशिया कप की कैंपेन शुरू करेंगे तो भारत से होगा मुकाबला। लेकिन आई थिंक ऐसा नहीं लग रहा कि शाहीन के ना होने से इंडिया इज डेफिनेटली लुकिंग अ स्ट्रॉन्गर साइड देयर। आई मीन दे वर स्ट्रॉन्गर लास्ट ईयर एज वेल, लेकिन चांसेस क्या, व्हाट इज योर गट फील अबाउट द गेम? वैसे गट फील मेरी वही है, आई थिंक आदत से एक गट फील बन गई है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड ऐसा रहा है इंडिया के खिलाफ बड़े टूर्नामेंट्स में कि आदत ही से एक बन गई गट फील के पाकिस्तान इंडिया विल बी स्ट्रॉन्गर, और अभी भी मेरी वही। तो दोस्तों आगे पूरा वीडियो है, वीडियो देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इंडिया पाकिस्तान के बीच बड़े दिन बाद वर्ल्ड कप के बाद मैच हो रहे हैं, और जो भी गरम गरम डिबेट रहेंगी दोनों देशों के बीच मीडिया हाउसेज में आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के वीडियो, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो। दिस डिबेट असाइड, पाकिस्तान वर्सेज इंडिया एशिया कप पहला मुकाबला हमारा पाकिस्तान वर्सेज इंडिया होना है। हमें पता है कि लेफ्ट आर्मर्स पे जो है वो इंडिया की टीम कंपेरेटिवली स्ट्रगल करती है। वी हैव सीन आमिर रूलिंग इट, वी हैव सीन शाहीन रूलिंग इट, रिसेंटली उबैद मकोय ने जो किया टीम इंडिया के साथ, क्या उस थ्रेट से बाहर निकाल दिया है हमने अब टीम इंडिया को? Obviously, you know, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ लेफ्ट आर्म्स पे वो स्ट्रगल करते हैं। लेफ्ट आर्म एक क्वालिटी लेफ्ट आर्मर हो ना, ये सब जो आपने नाम लिए थे आमिर हो गया, शाहीन हो गया, ये आमिर उस वक्त और शाहीन पिछले 2-3 साल से, दीज आर क्वालिटी लेफ्ट आर्म बोलर्स, यू नो, ये उस लेवल पे हैं कि ये किसी भी साइड को ट्रबल करें। ऑब्वियसली बड़ा ओकेजन ज्यादा होता है इंडिया पाकिस्तान से, तो लोग ज्यादा देखते हैं, मगर यू नो एक वसीम अकरमी ने कल अच्छी बात करी है कि आई थिंक वो जो दुबई में जो हराया था पाकिस्तान ने इंडिया को पिछले साल, उसके बाद से एक तो इन्हें कॉन्फिडेंस काफी मिलेगा कि भाई हम कम्पीट कर सकते हैं इंडिया के साथ। लेकिन इसका जो दूसरा एक पहलू है वो ये है कि इंडिया ने भी अपनी T20 एटीट्यूड काफी चेंज करी है बैटिंग में। यू नो उस वक्त एक साल पहले इंडिया की बैटिंग पाकिस्तान की जैसी थी, एज इन टॉप ऑर्डर हैवी थी। टॉप ऑर्डर में आपके एंकर्स थे, रोहित हो गया, विराट कोहली हो गया, जो अच्छा खेलते हैं ऑब्वियसली, वो T20 के चैंपियंस रह चुके हैं, लेकिन वो अप्रोच नहीं है जो एक नई अप्रोच क्रिकेट में आ रही है, जैसे इंग्लैंड जिस तरह से खेलता है या वेस्ट इंडीज एक जमाने में खेलता था कि आप यू नो यू प्रेफर 6 हिटिंग एंड 4 हिटिंग ओवर सिंगल्स एंड डबल्स। तो ये आई थिंक इंडिया में थोड़ा सा चेंज आया है, और एक ये डेफिनेटिव चेंज है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टार्ट्स अपनी और करें, तेज करें। तो उसमें आई थिंक उनकी जो अप्रोच चेंज हुई ना, उसका असल रियल चैलेंज पाकिस्तान के बॉलर्स पे होगा कि हाउ डू यू मैनेज दैट। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं पावर प्ले कुछ हद तक, स्पेशली इफ यू बोलिंग फर्स्ट, पाकिस्तान बोलिंग फर्स्ट, अगर आप वो कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ, तो देन यू हैव अ गुड चांस। ऑब्वियसली यू नो शाहीन का लॉस, ही इज एट द मोमेंट इररिप्लेसेबल। हसनैन ये अच्छी बॉलिंग फॉर्म रही है, बट ही इज अ डिफरेंट थ्रेट टू शाहीन, उसकी पेस ज्यादा है। तो यू नो इट डिपेंड ऑन दीस थिंग्स, बट आई थिंक द मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैज हैपेंड कि ये जो इंडिया की जो एटीट्यूड में बैटिंग एटीट्यूड में जो चेंज आया ना, वो ज्यादा आई थिंक might have a bigger factor in the match. नहीं बिल्कुल, पाकिस्तान के भी खिलाड़ी के बैटिंग एटीट्यूड में बहुत चेंज आया। मोहम्मद आसिफ का मैं कल जो है वो बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि मैं प्रैक्टिस में रोजाना 300 से 350 छक्के लगा था। आसिफ अली ये कहते हैं कि जी 350 क्या करें मोहम्मद आसिफ, वो कहते हैं ना लौट आती है उधर कोई नजर क्या कीजिए, कितना बड़ा बॉलर होता। लेकिन खैर एनी वे, आसिफ अली ये कहते हैं कि 350 छक्के लगाते हैं वो एक दिन में, तो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी पे खेलना है, 2% भी कन्वर्ट कर दिए उन्होंने, तो 7 छक्के एक इनिंग में पाकिस्तान, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया को हमने हरा दिया। लेकिन उस्मान वैसे ये बताइए, व्हाट इज योर गट फील अबाउट दिस गेम? आई मीन आई थिंक यस, लास्ट टाइम वर्ल्ड कप का एक अलग, यू नो पाकिस्तान हैज नेवर बीटन इंडिया, वो एक प्रेशर अलग है। एशिया कप में हम उनको हराते रहे, लेकिन आई थिंक ऐसा नहीं लग रहा कि शाहीन के ना होने से इंडिया इज डेफिनेटली लुकिंग अ स्ट्रॉन्गर साइड देयर। आई मीन दे वर स्ट्रॉन्गर लास्ट ईयर एज वेल, लेकिन चांसेस क्या, व्हाट इज योर गट फील अबाउट द गेम? वैसे गट फील मेरी वही है, आई थिंक आदत से एक गट फील बन गई है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड ऐसा रहा है इंडिया के खिलाफ बड़े टूर्नामेंट्स में कि आदत ही से एक बन गई गट फील के पाकिस्तान इंडिया विल बी स्ट्रॉन्गर, और अभी भी मेरी वही गट फील है कि आई थिंक इंडिया की जो डेप्थ है इज अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर, बट लाइक आई सेड आई थिंक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने पिछले सालों में रही है। यू नो 2016, 2015, 2011 उस वक्त इंडिया की काफी स्ट्रॉन्ग थी, और जो गैप था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो काफी बड़ा था, मगर आई थिंक वो गैप रिड्यूस हुआ है। पाकिस्तान के प्लेयर्स अच्छे निकले हैं PSL के थ्रू, नेशनल T20 के थ्रू, कप्तान अच्छा है, बैटिंग बेहतर हुई है। बैटिंग में आई थिंक अगर पाकिस्तान अपना मिडिल ऑर्डर मैक्सिमाइज कर ले, मैं ये नहीं करूंगा कि बेहतर करे बिकॉज ऑप्शन उनके अच्छे हैं, मगर अपने मैक्सिमाइज कर ले जो रिसोर्सेज है ना, तो देन आई थिंक पाकिस्तान हैज अ गुड एज गुड अ चांस एज एनी टीम टू बीट इंडिया इंशाल्लाह। बट जब आप मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो मुझे दिखता है कि एक तरफ इफ्तिखार आसिफ एंड खुशदिल हैं, दूसरी तरफ पंत पांड्या एंड मोस्ट प्रॉब्ली सूर्य कुमार यादव होंगे,
कंपैरिजन ऑन पेपर अगर मैं देखती हूँ, बहुत ज्यादा रिलायबल लगता है मिडिल ऑर्डर इंडिया का, अब एक्सप्लोसिव भी लगता है। आप अगर सूर्या कुमार यादव को देखें, आई थिंक यू नो ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग बैटर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। डेफिनेटली किसी भी फॉर्मेट में आप ले लो, वो जिस तरह के शॉट्स खेलते हैं वो और बैट्समैन कम ही खेलते हैं, और फिर उनके साथ ऋषभ पंत को भी आप डालें और पांड्या भी डालें। मगर देखिए प्लेयर्स हैं, T20 है, T20 में एक बॉल की गेम भी हो सकती है, एक मिस्टेक किसी ने कर दिया, एक दो यू नो एक ओवर में कम रन पड़ गए, 8 रन नहीं पड़े, 6 रन पड़ गए, इन सब चीजों पे मार्जिन्स बहुत फाइन होती हैं T20 में। लक का बड़ा रोल होता है T20 में, लक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आई थिंक अगर आपके प्लेयर्स ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फर्क होता है ना, तो वो इट गेट्स कैंसल्ड आउट बाय लक एंड द वेरी फाइन मार्जिन्स इन व्हिच द फॉर्मेट। उस्मान, एक एडवांटेज जो हम क्या उठा सकेंगे जब हम पेसर्स की बात करते हैं, लास्ट टाइम अराउंड इट वॉज जस्ट हारिस रऊफ जो के मौजूद थे, जिनका आमना सामना हुआ था इंडिया के इन बल्लेबाजों से। हारिस रऊफ के अलावा और कोई भी फास्ट बॉलर नहीं था जो इस वक्त हमारे स्क्वाड में है। नसीम, वसीम, हसनैन, इवन धानी, इनको देखा हुआ नहीं है इंडियन बल्लेबाजों में, इनफैक्ट बहुत कम खेले हुए ही नहीं है आमने सामने। कैन दैट गो एज एन एडवांटेज फॉर अस? बिल्कुल, देखिए खेला तो नहीं है मगर अपनी एनालिसिस इंडिया ने फुल करी होगी, यू नो इंडिया ने वीडियोस देखे होंगे, रिसर्च करी होगी किस तरह की बॉलिंग करते हैं, हारिस रऊफ की ग्रिप कैसे बदलती है जब वो स्लोअर बॉल करते हैं, तो ये सब इंडिया ने करा होगा। मगर ऑब्वियसली अंटिल यू फेस देम, तो आपको वो चैलेंज समझ में नहीं आता है, यू नो फुल एक्सटेंट ऑफ दैट चैलेंज आप कभी आई थिंक ग्रास्प नहीं कर सकते हैं अनलेस यू प्ले द बॉलर्स। तो ये डेफिनेटली उनकी एडवांटेज होगी, मगर उस तरह से यू नो इंडिया के पास भी एक हद तक वो है कि बिकॉज दोनों साइड खेलते नहीं है, तो एक दूसरे का जो प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस होता है फेसिंग ईच अदर वो वैसे ही कम होता है। तो यू नो दीज थिंग्स अगेन T20 जैसी गेम में इसका भी फर्क पड़ता है काफी। उस्मान, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको पता होगा भारत पाकिस्तान के बीच दुबई में मैच हो रहा है। लास्ट टाइम जब भारत पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था वर्ल्ड कप में हुआ था, T20 वर्ल्ड कप में, वो भी यहीं पर हुआ था। तो अब आपको बता दूं इस मैदान में हमारी लास्ट जो हिस्ट्री रही है पाकिस्तान के साथ मैच में ख़राब रही है। इंडिया 10 विकेट से हारा था, आपको याद होगा वो मैच। उस मैच के बाद भारत में काफ़ी बम फटाके फूटे थे, दिवाली जैसा माहौल बन गया था, किसने फोड़े थे आपको भी पता है। फिर ऐसा कुछ सीन हुआ, पाकिस्तान मैच हारा किससे, ऑस्ट्रेलिया से। मैथ्यू वैड ने शाहीन अफरीदी को 3 छक्के मारे, जिसके बाद फिर दिवाली मनाई गई इंडिया में। मेरा भी उसमें थोड़ा सा योगदान रहा, मैंने भी काफ़ी बम फटाके फोड़े थे। तो ये है क्रिकेट भारत में, तो अब ऐसा सीन हो गया कि भारत की हार पर भी फटाके फूटते हैं, तो आप समझ सकते हो। अब भारत पाकिस्तान के फिर से मैच हो रहे हैं, 3 मैच हो सकते हैं अगर दोनों टीम अपने मैचेस जीतती हैं। भारत पाकिस्तान को हराता है, पाकिस्तान अन्य टीमों को हराता है, और दोनों टीम अगर फाइनल, पहले सुपर फोर होगा उसके बाद फाइनल होगा, फाइनल में पहुँचती हैं, तो 3 मैच हो सकते हैं पाकिस्तान भारत के बीच। बड़े दिन में 3 मैच होंगे, तो आपको पता है कि किस तरीके का माहौल रहेगा। हालांकि कभी कल एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ जिसमें बाबर आजम, विराट कोहली दोनों देख रहे हैं, विराट कोहली बाबर आजम के पास जाकर हाथ मिला रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है बाबर के लिए वो फैन बॉय मूवमेंट है। हालांकि मैं बाबर को पर्सनली पसंद करता हूँ, बड़ा ही मतलब सेंसिबल प्लेयर है वो, अपनी विकेट फेंक के नहीं जाता। पाकिस्तान में ऐसे सेंसिबल प्लेयर आते रहे, लेकिन बड़े टाइम बाद पाकिस्तान को ऐसा प्लेयर मिला बाबर आजम। लेकिन उसकी लोग मजा जरूर लेते हैं कि वो जिम्बाबे छोटी टीम के खिलाफ मारता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, उसने बड़ी टीमों के खिलाफ भी प्रूफ किया है। हालांकि फिर भी मैं बाबर आजम को विराट कोहली की तुलना में थोड़ा कम रेट करता हूँ। विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट है और एग्रेशन है वो बाबर आजम से बहुत ज़्यादा है। अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, ये बात भी है, तो देखते हैं अब होता क्या है सीन। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच जो 28 अगस्त को मैच होना है, मेरे हिसाब से टीम इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर तो मुझे सूर्य कुमार यादव, उसके बाद ऋषभ पंत, फिर हार्दिक पांड्या, फिर डीके लग रहे हैं। ऊपर के 3 जो हैं, मान लीजिए आप रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल की बात करें, इनसे ज़्यादा मुझे ये नीचे के प्लेयर लग रहे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू खेलते हुए आ रहे हैं। रोहित शर्मा का भी मतलब ऊपर नीचे रहा है फॉर्म, विराट कोहली तो खेल ही नहीं रहे, आपको पता है छोटी टीम के खिलाफ तो वो खेलते ही नहीं है। केएल राहुल की अभी वापसी हुई है जिम्बाब्वे में, जो कि काफ़ी अच्छा उनका टूर नहीं रहा है। तो आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और भारत पाकिस्तान के बीच जो मैचेस हैं उनमें जितने भी वीडियोस रहेंगे अच्छे वाले